आप बताइए अपने बारे में कुछ। गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर सुश्रुत गुप्ता। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं मालविया नगर बालाजी मोड़ में जयपुर में फिजियोथेरेपी का क्लिनिक चलाता हूँ पिछले 12 साल से। मुझे 18 साल का अनुभव है और मैं ये कहना चाहूँगा अभी कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है समाज में, पर और ज़्यादा काम इस बारे में होना चाहिए ताकि जन जागृति बढ़े इसकी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपी सर्विस का फ़ायदा उठा सकें। फिजियोथेरेपी में हम मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, शैटिका, पैरालिसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, शैटिका, इन तरह की विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि स्पोर्ट्स आप बता रहे थे, इंजरीज, अभी लोगों को ये पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण अहम भूमिका क्या है और किस प्रकार का रोल प्ले करती है फिजियोथेरेपी इन लोगों के उपचार में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप बताएं। फिजियोथेरेपी में जो है हम जैसे जोड़ों के दर्द हो गए किसी भी तरीके के, जैसे गठिया बाई कहते हैं, या पैरालिसिस हो गया, या चणक हो गई, धरण हो गई, इन सब का बहुत अच्छा इलाज होता है फिजियोथेरेपी वो में। कैसे होता है? इसके लिए हमारे पास अलग अलग फिजियोथेरेपी की मशीनें होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी की मशीन है। इससे जो है पेशेंट को डीप हीट देते हैं हम। इस शॉर्ट वेव डायथर्मी की डीप हीट की मशीन से स्पाज्म रिलीज हो जाता है, दर्द ठीक हो जाता है, सूजन उतर जाती है। जैसे आप देख रहे हैं पेशेंट को लगाया हुआ भी है, हमने पेशेंट को यहाँ पे आप इधर पास आके देख सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे इनको हमने जो है शॉर्ट वेव डायाफ्राम की डीप हीट की मशीन लगाई हुई है, इसमें जो है पूरे हाथ में जो है डीप हीट आती है इस मशीन से और पेशेंट को दर्द में आराम मिलता है। कुछ ही दिन में पुराने से पुराना दर्द, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो इन पेशेंट गया, को क्या तकलीफ थी आपकी, ये जो इनके गर्दन में दर्द है और गर्दन से निकल के वो हाथ में दर्द जा रहा था, सर्वाइकल? थोड़ा सा सर्वाइकल का इशू है इनको, तो वो जो है गर्दन से निकल के हाथ तक में जो नस है उस पर दबाव की वजह से वो जा रहा था, तो उसमें हम हीट दे रहे हैं ताकि वो खून का दौरा बढ़े और उसमें आराम आए इन्हें। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी इनको 50% रिकवरी है 3 विजिट में ही, तो अगले 3-4 दिन मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप थोड़ा बताएंगे पेशेंट अपने बारे में कि साहब क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरे सर गर्दन में दर्द था, तो गर्दन में से फिर धीरे धीरे करके हाथ में दर्द होने लगे, एक हाथ में, बाएं हाथ में? बाएं हाथ में। अच्छा, तो मैं इनके पास 4 बार आ चुका दर्द हूँ। कैसा था, भयंकर? नहीं, दर्द क्या है, हल्का सा गर्दन यू घुमाने में दर्द होता था अच्छा और हाथ हाथ सुन्न हो जाता था। अच्छा, हाँ, ये हाथ कारण, ऊंचा करने में दिक्कत होती थी, ऊंचा करने में दिक्कत होती थी, नहाने में दिक्कत होती थी, काफी प्रॉब्लम, कपड़े पहनने, कोट पहनने में भी? हाँ, काफी प्रॉब्लम थी। अच्छा, फिर तो मैं इनके पास आया था। अभी 15 दिन हुए आपको? नहीं, इनके पास मुझे 4 रोज हुए हैं। 4 ही रोज हुए? हाँ, तो इससे मेरे लिए थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, मिल रहा है आराम? आराम। अच्छा, तो ये कितने दिन में आराम मिल जाता है डॉक्टर साहब इनको? देखिए, जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा समय लगता है। ठीक नॉर्मली ठीक नॉर्मली पेशेंट बढ़ा के ही आते हैं, तो 10-15 दिन का हमारा नॉर्मली सेशन रहता है। एक बार में मतलब 10-15 दिन का लेके चलते हैं, पर कई बार किसी का 10 दिन, किसी का 12 दिन, अगर ज़्यादा पुराना है तो। और अगर आजकल में ही दर्द हुआ और उसी दिन पेशेंट आ जाए तो 1-2 दिन में भी ठीक होके जाता है। ये अच्छा, जितना पुराना करके आएंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो अगर आप दोबारे ढंग से बोलो। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब स्टिचिंग? स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मतलब अगर आप समय पे अपने जूते को सिलवा लेंगे तो ज़्यादा टाके नहीं लगाने पड़ेंगे, अच्छा कम टाकों में काम हो जाएगा। अच्छा तो वही स्टिच बात इन है, हाँ, टाइम सेव सेव नाइन, टाइम सेव नाइन। सेव नाइन। अगर आप टाका, एक जैसे टाका लगाना है, वो आपने जूता आपका फटता जा रहा है, आप उसको नहीं सिलवा रहे हैं, तो ज़्यादा टाके लगेंगे उसमें। पर अगर आपका थोड़ा सा फटा जूता आप उसी समय उसमें टाका लगवा लेंगे तो एक टाके में ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है शुभ शीघ्रम, जितना जल्दी पेशेंट ट्रीटमेंट करा लेगा उतना जल्दी ठीक होगा। अच्छा, आपको तो जितना बीमारी हिंदी को अंग्रेजी बढ़ाते हैं, संस्कृत पूरी नॉलेज जितना बीमारी को बढ़ा के आएंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा, है। और कई बार ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो 7 दिन रोग हो जाता है, वो सही नहीं अच्छा है। अच्छा ये है तो आप एक और जल्द समस्या बता रहे थे आजकल के डॉक्टरों के बारे में। आज मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि पता बिल्कुल नहीं है, थोड़ा अवेयरनेस होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज कराते हैं, बट उन्हें थोड़ा इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में कम आइडिया होता है कि हमारी जैसे अलग अलग मशीनें हैं। जैसे ये मशीन है, इससे पैरालिसिस ठीक होता है, मसल स्टिमुलेटर की मशीन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आपको मैं एक और मशीन दिखाता हूँ, ये टेनिस एल्बो की मशीन है। इससे जो है हम यहाँ पे जैसे दोबारा बोलना था, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, इससे हम इसमें जेल लगा के अल्ट्रासाउंड देते हैं पेशेंट को। यहाँ पे जैसे कोहनी में किसी का दर्द है, टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, तो इससे मशीन से वो ठीक हो जाता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना सर्जरी के नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट हो जाता है।
पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है 10-15 दिन में, अगर पुराना भी है। कौन सा रोग बताया आपने? टेनिस एल्बो, जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस। हाँ हाँ, टेनिस यहाँ पे दर्द हो जाता है। इवन सचिन तेंदुलकर को प्रॉब्लम थी, मेरे भी हो गया था। अच्छा अच्छा, चलिए आपको कभी दिक्कत आए तो बताइएगा, मैं करूँगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग बीमारियों के हैं। जैसे ये है, ये जो मशीन है ये शाटे का, जैसे किसी को होता है नीचे रखिए, टेंस की मशीन कहते हैं इसको, TENS। हाँ, TENS, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर की मशीन है। इसमें हम पैड जगह जगह पेशेंट को लगाते हैं, तो उसमें जो है लगाने से कुछ ही दिन में नसों का जो दर्द होता है, नर्व पेन जैसे कहते हैं, जैसे शियाटिका हो गया, मिरालजिया पैरास्थेटिका हो गया, इस तरीके के जो दर्द होते हैं इनका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग सर्जरी कराने के बाद भी आते हैं, कराने में कहते हैं हम तो पहले सर्जरी करा ली, अब ठीक हो जाएंगे। हम कहते हैं चिंता मत करिए, हो जाएगा ठीक। कहने का मतलब ये है कि फिजियोथेरेपी आपके जीवन को आरामदायक बनाती है और आपको दर्द रहित जीवन देती है। इसलिए कभी भी आपको दर्द हो तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य संपर्क करें। सर्जरी कराने का अगर आप सोचते हैं तो उससे पहले एक बार फिजियोथेरेपी ज़रूर करानी चाहिए, अगर नहीं तो आपको हो सकता है ज़रूरत ना भी पड़े सर्जरी की। कई केसेस में बिना सर्जरी के ही काम हो जाता है। लोग सर्जरी कराने के बाद आते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है, पहले अगर करा लें तो सर्जरी की नौबत ही। डॉक्टर सुश्रुत गुप्ता सर, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, जन्म से मैं जयपुर का ही हूँ। एजुकेशन आपकी? मैं एजुकेशन मेरी हरियाणा की रही है, मैं मेरा DAV कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मेरा कॉलेज था यमुना नगर हरियाणा में, वहाँ से मैंने पास आउट किया है। अच्छा अच्छा, और कोई संदेश आप देना चाहेंगे? बस ये जन जागृति की ज़्यादा ज़रूरत है। गांव वाले तो बिल्कुल नहीं समझते, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है फिजियोथेरेपी से। हम सोचते हैं लकवा तो ठीक ही नहीं होता, लकवा कैसे ठीक हो जाएगा? लकवे के भी पेशेंट ठीक होते हैं, चेहरे का लकवा है, हाथ पैर का फुट रिस्ट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप है, तो लकवा भी ठीक होता है। अगर आप टाइमली इलाज कराएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है लकवा भी। हाँ, मेरे को भी एक आपके साथी ने बोला था कि 100% रिकवरेबल है अगर आदमी धैर्य रखे और फिजिकल और जो मेंटल। और इलेक्ट्रोथेरेपी की हमारी मशीन होती है, उससे इलाज कराते हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है फिजियोथेरेपी से। तो ये धारणा लोगों में गलत है कि लोग सोचते हैं कि पैरालिसिस ठीक नहीं होता है, जोड़ों के दर्द ठीक नहीं होते। जोड़ों के दर्द भी कई तरीके के होते हैं, कुछ असाध्य होते हैं, कुछ साध्य होते हैं। जो साधे रोग हैं वो तो ठीक हो ही जाते हैं पूरी तरीके से, फिर उम्र का भी होता है, कोई 80-90 साल वर्ष का व्यक्ति है तो उसमें 100% नहीं तो 90% रिकवरी भी आ जाएगी, तो अच्छी रिकवरी है। डॉक्टर गुप्ता सर, मैं आपका ये हेल्पलाइन नंबर जो मोबाइल नंबर है वो आप एक रिपीट कर देंगे धीरे धीरे, तो ताकि लोगों को। 8769003503। सर दोबारा रिपीट कर दें। 8769003503। डॉक्टर सुश्रुत गुप्ता ये मेरा पर्सनल नंबर है, मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई भी जांच पड़ताल करनी हो तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम रमन अग्रवाल है। आज आपने हेल्थ इंडिया के रिपोर्टर को अपना साक्षात्कार दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं।